हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लेसन 5 प्लांट्स आवर बेस्ट फ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने एक्सरसाइज के द करेक्ट ऑक्सीजन लेवल्स देख चुके थे। अब हम देखेंगे इसमें आगे के एक्सरसाइज। इसमें नेक्स्ट है मैच द फॉलोविंग। यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए गए हैं, इसमें हमें जो इनसे मैच होगा उसमें हमें मिलाना है। कॉलम फर्स्ट में जो ट्री के जो प्लांट्स के टाइप्स हैं वो दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके एग्जांपल दिए गए हैं। तो हमें उनको मैच करना है कि कौन से प्लांट का टाइप है उसका एग्जांपल कौन सा है, इसमें भी मैच करना है। तो बेटा इसमें शुरू करते हैं हम। फर्स्ट कॉलम ए, कॉलम ए में ट्रीज जो प्लांट है ट्री श्रूब्स हर्ब्स क्लाइंबर्स क्रीपर्स, इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं उसको हमें इसमें मैच करना है। तो ट्री ऐसे होते हैं जो कि सालों तक जीवित रहते हैं और बड़े होते हैं। उनका जो स्टेम होता है वो मोटा और बुड्ढी होता है। उसमें आएगा बैनियान और पीपल। बैनियान मतलब बरगद और पीपल मतलब पीपल। ये दो क्या हैं, ये ट्री हैं। श्रुप्स कौन से होते हैं, श्रुप्स होती है झाड़ियाँ। श्रुप्स क्या होते हैं, झाड़ियाँ जिनका तना कैसा होता है, पतला होता है लेकिन कैसा होता है, बुड्ढी होता है। तो इस प्रकार का जो प्लांट्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं इसमें हीना और रोज़। इसमें एक मेन स्टेम नहीं होता है, इसके अंदर एक मेन स्टेम नहीं होता है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं स्टेम के रूप में, लेकिन ट्रीज़ के अंदर एक मेन स्टेम होता है, उसके ऊपर ब्रांचेज निकली होती हैं। जबकि हर ये श्रुप्स के अंदर एक साथ छोटी छोटी कई प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, उसमें क्या बोलते हैं, श्रुप्स। हर्ब्स क्या होते हैं, शाख, जैसे कि हमें धनिया वगैरह पुदीना धनिया इस प्रकार जो छोटे छोटे पौधे होते हैं हरे, उसको बोलते हैं हर्ब्स। उसमें आएगा मिंट और कोरिएंडर, मिंट पुदीना कोरिएंडर धनिया। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट तो होते हैं जो कि ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और उसका जो स्टेम होता है बहुत ही वीक होता है, लेकिन को अगर सपोर्ट मिल जाए तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट और ग्रेपवाइन। नेक्स्ट है क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मिट्टी पर धीरे धीरे वृद्धि करते रहते हैं। इनका स्टेम कैसा होता है, बिल्कुल थिन होता है। वाटर मेलन और पम्पकिन, ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्रीपर्स कहलाते हैं। इनके एग्जांपल हमने इसमें देख लिए हैं। अब हम देखते हैं इसके क्या नेक्स्ट है, ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उसके लिए ट्रू और जो फॉल्स है गलत उसके लिए एफ लिखना हमें। द एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर। द एक्वेटिक मतलब जलीय, प्लांट्स मतलब पौधे, ग्रो मतलब उगना, इन वाटर पानी में। तो एक्वेटिक प्लांट्स पानी में उगते हैं तो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम क्या बनेंगे, ट्रू। नेक्स्ट है मोस्ट सीजनल प्लांट आर हर्ब्स। मोस्ट अधिकांश, सीजनल मतलब मौसमी है, प्लांट्स पौधे आर हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। मोस्ट सीजनल प्लांट्स आर हर्ब्स, अधिकांश जो मौसमी पौधे वो हर्ब्स होते हैं। तो इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि अधिकांश सीजनल प्लांट्स हर्ब्स नहीं होते, क्रीपर्स भी होते हैं, दूसरे जो फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं वो भी होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। कुछ होते हैं लेकिन मोस्ट नहीं आता इसमें, फॉल्स। सम आता तो हो सकता था ये, राइट। प्लांट्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, जो प्लांट्स होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं, ग्रीन होते कलर के अंदर। तो इसमें क्या आएगा, ट्रू। यस, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। उसके कारण अधिकांश प्लांट्स कैसे होते हैं, कलर में ग्रीन कलर के होते हैं। कैक्टस इज ए डेजर्ट प्लांट। कैक्टस एक पौधे का नाम है, है एक डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, प्लांट मतलब पौधा, एक रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। कैक्टस है वो एक रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। इसमें क्या आएगा, ट्रू। मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। मोस्ट ट्री अधिकांश जो पौधे हैं, अधिकांश जो पेड़ हैं लिव जीवित रहते हैं फॉर मैनी ईयर्स कई सालों तक। तो इसमें भी क्या आएगा, ट्रू। क्या आएगा इसमें, ट्रू। आज की क्लास हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में से आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा।